हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन का डोरमेट। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि एक डिज़ाइन है हार्ट शेप में, तो उसमें बताया गया है कि आप 40 बंदे का डोरमेट बताएँ। तो ठीक है, चलिए आपको उसी डोरमेट को बना के दिखाते हैं जो भी 40 बंदे में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए जो भी कलर, जैसे मैंने यहाँ पे पिंक और येलो लिया है, तो आपको जो भी कलर लेने हैं, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर ले लीजिए। उसके बाद देखिए वहाँ पे आपको कलर जो भी जो जैसे लगाना है आप अपने अकॉर्डिंग लगाइए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो कलर लिए हैं, तो यहाँ पे हम फंदे डालेंगे इस तरीके से। देखिए येलो कलर को हम बीच में रखेंगे और पिंक को किनारे पर रखेंगे। ठीक है, आप देखिए इस तरीके से आपको 40 फंदे डाल लेने हैं। ठीक है, 40 फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो में आपको यहाँ से देखें इस तरीके से, जब यहाँ पे बनाएंगे तो फर्स्ट रो से इस तरीके से आपको बनाना है। देखें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हम कंप्लीट फंदे बुनेंगे। देखिए यहाँ पे हमने टोटल फंदे बुन लिए, और यहाँ पे देखें इस तरीके से दो फंदे हमें यहाँ पे छोड़ देने हैं। ठीक है, फर्स्ट रो में जैसे ही फंदा डालना है यहाँ से कंप्लीट फंदे बुनने हैं, दो फंदे छोड़ना है, पलट देना है। ठीक है, अब सीधी साइड से देखें यहाँ पे हम कंप्लीट फंदे बनाएंगे, दो फंदे छोड़ेंगे। ठीक है, आप देखें यहाँ पे हमने टोटल फंदे बुन लिए, अब यहाँ से इस साइड भी दो फंदे छोड़ेंगे, पलट देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हर बार रो में यहाँ पे दो फंदे छोड़ने हैं, इस साइड पे जाना है तो दो फंदे छोड़ने हैं, इस साइड पे आना है तो दो फंदे छोड़ने हैं। ठीक है, हर बार आपको इसी तरीके से बुनाई करनी है। तो इस तरीके से बुनाई करते हैं, तो अब देखें यहाँ पे हमने दो दो करके फंदे छोड़ दिए, अब दो फंदे फिर से छोड़ना है, पलट देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 2 फंदे छोड़ेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमने टोटल फंदे बुन लिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो येलो कलर का है ये धागा हम यहाँ पे इस तरीके से, आप चाहे तो ऊपर की साइड लें, चाहे तो यहीं से कलर को ऐड करें, तो मैं यहाँ पे कलर को येलो कलर का ऐड करूँगी। और यहाँ से देखें इस तरीके से आपको कर देना है, यहाँ पे स्पेस नहीं डालना है। ठीक है, 2 और देखिए किनारे की साइड पे इस येलो कलर को अगर आपको एक फंदे में चलाना है तो इस धागे को यहाँ ऊपर की साइड ले लेना है। ठीक है, इस तरीके से बुनाई करते जाएंगे, इसे ऊपर की साइड लेते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से देखें, आपको इसी तरीके से ध्यान से देखना है और ध्यान से बनाना है। बहुत ही आसान तरीके से आपका डिज़ाइन बन के रेडी होगा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है इसके बाद तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो देखें यहाँ पे इस तरीके से हमें ऊपर की साइड पे देखिए इस तरीके से लेंगे और सीधी साइड से एक फंदा यहाँ पे बुनेंगे और पलट देंगे। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे किनारे का फंदा इस तरीके से उतारना है और येलो कलर का धागा देखिए यहाँ पे ऐसे ही हमें छोड़ देना है। और देखिए पिंक कलर को हमें पिंक से बनाना है, जिसके लिए हम देखिए यहाँ पे एक पिंक कलर का बनाएंगे, उसके बाद पीछे की साइड करेंगे। यहाँ पे हमें एक फंदा बढ़ाना है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लिया। ठीक है, 2 इस तरीके से अब यहाँ पे हम कंप्लीट फंदे पिंक के जो है उन्हें हम बुनेंगे। ठीक है, इस तरीके से अब देखें यहाँ पे पिंक कलर के फंदे सभी फंदों को हमें बुनना है। ठीक है, अब यहाँ से फिर से पलट देना है और इस तरीके से किनारे का फंदा इसे उतार लेना है। सेकेंड फंदे से इस तरीके से हमें बुनाई करनी है, ऊपर की साइड जाएंगे, कंप्लीट फंदे बुनेंगे। ठीक है, आप देखें यहाँ पे किनारे का साइड का फंदा इस तरीके से येलो का जो है हम येलो से ही बनाएंगे। ठीक है, पलट देना है और यहाँ से इसे उतारना है और नेक्स्ट फंदे से देखिए इसे फिर से हम पलट देंगे, ताकि इसमें बीच में इस तरीके से स्पेस ना आए और आसानी से बन जाए। ठीक है, अब देखें यहाँ से फिर से पीछे की साइड एक फंदा बढ़ाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, दो फंदा छोड़ना है, पलट देना है। अब यहाँ से इस तरीके से 1
और यहाँ पे सभी फंदों को हम बुनेंगे। यहाँ पे हमारे टोटल 20 फंदे होते हैं, तो इसी तरीके से हमें 20 फंदे यहाँ पे छोड़ने हैं। देखिए 20 के सिर्फ हमें यहाँ पे 15 छोड़ने हैं, दो दो करके, ठीक है। ये देखें इस तरीके से यहाँ पे सभी फंदों को बुनेंगे। अब सीधी साइड से हमें येलो कलर का धागा बुनना है, ठीक है। यहाँ पे देखें इस तरीके से आगे की साइड करेंगे, पीछे की साइड पे येलो कलर का धागा पलट देंगे, ठीक है। अब यहाँ से फिर से हम पलट देंगे इस तरीके से, देखें यहाँ पे, ठीक इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा और इजी तरीके से आपका डोरमेट फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर देखें फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे, इसी तरीके से हम यहाँ पर देखिए 15 फंदे तक की, 15-16 फंदे इसी तरीके से हम दो दो करके छोड़ेंगे, ठीक है। आप देखें यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4 रो में हमने एक एक करके फंदा बढ़ाया। अब यहाँ पे हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे हम दो रो में कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, जहाँ पे हमें गुलाई करनी है वहाँ पर हम कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। बीच में इस तरीके से अब दो फंदा यहाँ पर फिर से छोड़ना है, पलट देना है। आप देखें यहाँ से सीधी साइड से तो इस तरीके से दो रो बनाएंगे। ये देखिए दो रो बनाने के बाद यहाँ पे हम एक साथ में दो का एक करेंगे। ये देखें दो का एक करेंगे, 1, 2, 3, 4। अब जो फंदे हमने यहाँ पे दो दो करके छोड़ रखे हैं, ठीक है, उसमें से हम दो फंदे यहाँ पे बुनेंगे और यहीं से पलट देंगे। अब हमें नीचे की साइड हार्ड शेप देना है, ठीक है। अब ऊपर की साइड कंप्लीट फंदे बुनेंगे। आप देखें यहाँ पे हमने टोटल 4 फंदे बढ़ाए थे, ठीक है, 4 रो में, बीच में कोई फंदा नहीं बढ़ाया। फिर यहाँ पे हमने टोटल 4 फंदे कम किए। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए इस तरीके से एक फंदा ये जो हमारा होता है इसे हमें नहीं बुनना होता है, ठीक है। अब यहीं से पलट देंगे और ऊपर की साइड हम जाएंगे, कंप्लीट फंदे बुनेंगे। यहाँ पर सभी फंदों को बुनना है, ठीक है। अब देखिए वन साइड का हार्ड बन गया हमारा और वन साइड पे देखिए इस तरीके से एक फंदा हमें फिर से बढ़ाना है। यहाँ पे देखिए दो इस तरीके से नीचे की साइड पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सभी फंदे बुनेंगे एक साथ में। आप देखें यहाँ पे हमें दो फंदे फिर से कंटिन्यू छोड़ना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाएंगे 4 रो में और दो दो करके फंदे यहाँ पर छोड़ते जाएंगे। फिर लास्ट में हमें 3 सिलाइयों में यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, बराबर का रखना है। फिर 4 फंदे जैसे यहाँ पे हमने बढ़ाए तो 4 फंदे हमारे नीचे की साइड पे जब हम जाएंगे तो 4 फंदे कम करेंगे और इस तरीके से गोलाई बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इतना बनाते हैं फिर दिखाते हैं कंप्लीट। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने हार्ड शेप बना लिया, ठीक है। यहाँ पे देखें इस तरीके से हार्ड शेप बन गया। जब यहाँ पे नेक्स्ट कली बनेगी तो ये हार्ड शेप खिल के आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अब इस पत्ती को बनाएंगे, फिर से यहाँ से हम येलो कलर के सभी फंदे बनाएंगे। तो इस तरीके से बना लेते हैं कंप्लीट डिज़ाइन, फिर दिखाते हैं।